जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंस ज्ञान यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम जानेंगे 303 राइफल के बारे में दोस्तों, या कहें 303 बोर राइफल के बारे में, जो कि ब्रिटिश द्वारा बनाई गई थी और ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने यूज की थी। बाद में जब भारत आज़ाद हुआ तो इंडियन आर्मी ने भी यूज की थी। अब उसके बाद जो हमारे देश की जो विभिन्न राज्यों की जो पुलिस हैं वो यूज करती हैं। दोस्तों आज हम इस राइफल के बारे में जानेंगे, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरी अंत तक देखें। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं आज आपको अचानक से ही 303 राइफल या 303 बोर राइफल के बारे में क्यों बता रहा हूँ। दोस्तों इसका कारण यह है कि भारत के जो विभिन्न राज्य इस राइफल को यूज करते थे, उनमें से उत्तर प्रदेश भी इसको यूज करता था और उत्तर प्रदेश काफी प्रभावी और काफी जनसंख्या के हिसाब से बड़ा राज्य है दोस्तों। तो और 26 जनवरी के बाद यूपी पुलिस अब जो 303 राइफल है उनका इस्तेमाल नहीं करेगी दोस्तों। यूपी पुलिस इनके स्थान पर SLR और इंसास जो राइफल है, जो असॉल्ट राइफल टाइप है, उनको इस्तेमाल करना चालू करेगी। लेकिन जो इंसास है वो भी मिलिट्री के द्वारा यूज करना बंद कर दी गई है और इंसास भी कोई खास राइफल नहीं है, लेकिन यूपी पुलिस अब इंसास और SLR को यूज करेगी। तो दोस्तों आज हम जानेंगे 303 राइफल के बारे में। तो चलिए जानते हैं 303 राइफल के बारे में दोस्तों। ये इसको जो ब्रिटेन की कंपनी बनाती थी ली इनफील्ड, और उसको इनके जो डिजाइनर थे उनका नाम था जेम्स पेरिस ली दोस्तों, और 1904 में इसको ब्रिटेन इंडियन आर्मी में यूज किया गया था। लेकिन बाद में भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, तो उसके बाद इंडियन आर्मी ने भी 303 राइफल को यूज किया था और भारत ने इसके साथ कई युद्ध भी लड़े, वो पाकिस्तान से हो या फिर वो चाइना से युद्ध हो, तो इन्हीं राइफल का यूज किया गया था 303 राइफल का। काफ़ी पावरफुल राइफल है 303। दोस्तों जो 303 राइफल है इसका जो वर्जन की हम बात कर रहे हैं वो SMLE वर्जन की बात कर रहे हैं, मतलब शॉर्ट मैगजीन ली इनफील्ड जो राइफल है उसकी बात कर रहे हैं दोस्तों। इसकी जो मैगजीन थी उसमें 10 राउंड आ जाते थे और जो 303 राइफल थी ये बोल्ट एक्शन राइफल थी दोस्तों। इसका जो वजन था वो 4.11 kg था दोस्तों। बात करें इसकी लेंथ की दोस्तों, तो इसकी जो लेंथ थी वो 44.45 इंच थी दोस्तों। इसकी बैरल की बात की जाए तो इसकी जो बैरल थी वो 25.2 इंच थी दोस्तों। बात करें इसके कार्ट्रिज यानी कारतूस की, तो दोस्तों इसका जो कारतूस था वो 303 यानी 303 कार्टेज इसमें यूज होता था, या कहें 303 बोर का कार्टेज यूज होता था दोस्तों। अगर इसको मेट्रिक नोटेशन में देखें तो 7.7 × 56 mm इसकी मतलब मेट्रिक नोटेशन थी। ये जो कारतूस था दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। इसमें पहली बार जो इसमें गन पाउडर का यूज किया गया था वो स्मोक लेस गन पाउडर का यूज किया जाने लगा था, तो इस वजह से ये जो कारतूस था काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था उस ज़माने में। ब्रिटेन जो एम्पायर था उसने ब्रिटेन ने काफ़ी देशों के खिलाफ युद्ध लड़ा था, जर्मनी हो, ओटोमन एम्पायर, तो उसमें ये गन ही इस्तेमाल की गई थी और ये जो गन थी काफ़ी ज़्यादा प्रभावी थी उस टाइम पर दोस्तों। बात करें रेट ऑफ फायर की, मतलब एक मिनट में 303 राइफल से आप कितने राउंड फायर कर सकते हैं, तो दोस्तों अगर आप अच्छे निशानेबाज हैं और ट्रेंड हैं तो आप इससे 20 से लेकर 30 राउंड पर मिनट फायर कर सकते हैं। और इसके जो फायर करते हैं हम, तो ये अधिकतर जो इसका सटीक निशाना लगता है, क्योंकि बोल्ट एक्शन राइफल का अधिकतर जो निशाना होता है काफ़ी सटीक रहता है दोस्तों। बात की जाए इसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज की, तो दोस्तों जो इसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज है वो करीब करीब 800 मीटर थी। लेकिन कहा जाता है कि जब अफगानिस्तान में युद्ध किया था अमेरिका ने, तो अमेरिका और सोवियत के खिलाफ जो अफगानिस्तान के लड़ाके थे या वहाँ के लोग थे, उन्होंने जो ली एनफील्ड राइफल थी 303 राइफल का इस्तेमाल किया था और वो करीब करीब 1500 मीटर से भी जो अमेरिकन और जो सोवियत सोल्जर थे उनको निशाना बना लेते थे। तो ये जो राइफल है काफ़ी घातक है और इसकी जो मैक्सिमम फायरिंग रेंज थी वो काफ़ी ज़्यादा थी दोस्तों। दोस्तों अब पूछते हैं आपसे एक सवाल दोस्तों, जो जैसे यूपी पुलिस ने अपने आप को जो चेंज के तौर पर एक विकल्प चुना है वो चुना है SLR और जो इंसास है उसको। वैसे जो पुलिस होती है वो अर्बन एरियाज में मोस्टली काम करती है, वहाँ पे आपको लॉन्ग रेंज के वेपन नहीं चाहिए जो दूर तक जिनकी मारक क्षमता हो, लेकिन आपको ऐसे वेपन चाहिए जो हल्के हों और इजी टू कैरी हो, मतलब आप उनको आसानी से ले जा सकें। आप इतना बड़ा जो लेंथ का वेपन लेके चलने में बहुत दिक्कत होती है, तो मेरे अनुसार तो जो यूपी पुलिस है, मैं यूपी पुलिस क्या पूरे भारत की जो पुलिस है उसको MP5 जैसी सब मशीन गन ऐसे यूज करनी चाहिए या बरेटा ग्लॉक जैसी पिस्टल यूज करनी चाहिए। तो आपकी क्या राय है, जो हमारे भारत की पुलिस है उनको कौन से वेपन जो हल्के हों वो यूज करने चाहिए, आप प्लीज कमेंट में हमें जरूर। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप डिफेंस और हथियारों से जुड़ी ऐसी वीडियो देख पाए। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।